हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? दोस्तों, घड़ी देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की जो वीडियो है वो घड़ी को लेकर होने वाली है। लेकिन घड़ी में हम क्या करने वाले हैं वो आपको बताऊंगा, वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक अपने चैनल पर एक वीडियो और बना रखी है कि जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपकी घड़ी चलते चलते अपना रियल टाइम से पीछे हो रही है तो आप उसे घर पर ही कैसे रिपेयर कर सकते हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ मैं आपको बता दूँ। दोस्तों, ये घड़ी जो है हमारी रियल टाइम से पीछे हो गई है चलते चलते, लेकिन इसे कई बार रिपेयर करने के बाद भी ये घड़ी जो है ठीक नहीं हुई। तो इसमें क्या कमी हो जाती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे अगर आपकी आपने रिपेयर करी फिर भी आपकी घड़ी बार बार पीछे हो रही है अपने रियल टाइम से, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। आपको वैसे तो नई घड़ी ले सकते हैं, लेकिन उसमें हमें आ रहा 150 से 200 रुपये खर्चा आएगा। लेकिन मैं आपको आज कम खर्च में यानी केवल 30-40 रुपये के अंदर ही आपको वो घड़ी फिर से ओके करना बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने पिछली वीडियो का लिंक दिया है आप वो जाकर देख सकते हैं, वहाँ से रिपेयर हो जाती है। लेकिन अगर फिर भी ना हो रही हो तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँ। मैंने क्या किया, ये घड़ी मैंने दो बार रिपेयर कर ली लेकिन ठीक नहीं हो रही। तो उसके अंदर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मशीन के अंदर जो है एक कॉइल होती है, आपको यहाँ पर दिख रही होगी, कॉपर की कॉइल है ये जो है ये ख़राब हो जाती है। उस कंडीशन में हमारी ये मशीन जो है रिपेयर नहीं हो पाती। तो इस ऐसे में हमें क्या करना है, ऐसे में मैं बाज़ार से जो है बिल्कुल एक नई मशीन ले आया हूँ, केवल 40 रुपये की मशीन आई है। तो केवल 40 रुपये में हम इस घड़ी को ओके कर देंगे। अगर आप बाज़ार से नई घड़ी लाओगे तो 150 से 200 रुपये या ज़्यादा भी आपके लग सकते हैं, लेकिन केवल 40 रुपये में हम केवल मशीन चेंज करके इस घड़ी को ओके कर देंगे। तो मशीन कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल मुझसे सीखो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो है नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दे, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पब्लिश करूँ तो आपके पास उस वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो से बेनिफिट उठा पाए। दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, जो घड़ी का जो एक ग्लास होता है ऊपर का, इसको हमें खोलना है। इसको खोलने के लिए घड़ी के बैक साइड में नट दिए गए होते हैं, पेच दिए गए होते हैं। ये हर घड़ी में अलग अलग तरह से पेच दिए हुए, अलग अलग जगह पर दिए हुए होंगे, तो वो आपको खोल लेना है और बड़ी केयरफुली खोलना है पीछे की तरफ। यहाँ पर आपको हाथ से अपने सपोर्ट देनी है ग्लास के, ताकि ग्लास जो है एकदम से नीचे ना गिरे, वरना ग्लास जो है ब्रेक हो सकता है। तो दोस्तों मैंने जो है ग्लास जो है निकाल लिया है, आपको कैमरे में दिख रहा होगा। इससे बड़ी केयरफुली से हम एक साइड रख देते हैं ताकि ब्रेक ना हो। अब उसके बाद ग्लास हटाने के बाद हमें क्या करना है, इन सुइयों को बड़ी केयरफुली से बड़े ध्यान से हमें इसे अलग करना है। तो हमें यहाँ से जो सुई है उनके यहाँ से वगैरह टच नहीं करेंगे, हम करेंगे बिल्कुल यहाँ से टच और यहाँ से इसे ऊपर की तरफ खींचेंगे। ऊपर की तरफ खींचते ही जो है ये निकल जाएगी दोस्तों, ठीक इसी तरह से ये वाली भी और फिर हावर्स वाली सुई भी निकल जाएगी दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना है, आपको ये मशीन लेनी है, पीछे वाली मशीन को ऐसे पकड़ना और कुछ इस तरीके से टर्न कर देना है। टर्न करते ही जो है हमारी घड़ी मशीन जो है खुल जाएगी और ये निकल गई है दोस्तों, अलग हो गई है। इसको हम साइड में रख देते हैं और जो पेच था वो भी ये निकल गया है हमारे मशीन से। अब आपको वापस नई मशीन इस पर लगानी है सीधी, तो सेम वही प्रोसेसर है, आपको पीछे की तरफ इधर डालना है, मशीन यहाँ पर लगा देनी है और आगे से जो पेच है वो इधर लगाना है दोस्तों। और पेच यहाँ पर लगाने के बाद मशीन को आपको कुछ इस तरीके से टर्न कर लेना दोस्तों। तो मशीन जो है हमने यहाँ पर फिट कर दी है, अब वापस आपको वही घड़ी की सुइयाँ लगानी है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी सुई यहाँ पर लेंगे और इसे बिल्कुल हल्के हाथ से हमें पकड़ना है, और जब हम इस पर दबाव देंगे, प्रेस करेंगे, तो हमें यहाँ से नहीं इधर से दबाव देना। तो हमें यहाँ पर इस पर लगा के हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा दबाव देना, ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद इससे बड़ी सुई हम यहाँ पर लेंगे ओके, और तो उसके बाद सबसे छोटी सुई और सबसे बड़ी सुई जो सेकंड वाली सुई होती है उसको भी हम यहाँ पर लगाएंगे ना। प्रेशर हमें वापस ऊपर वाले यहीं से देना है, इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देना है। तो यहाँ पर प्रेशर देने के बाद ये
सेट हो जाती है। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपको ये चेक करना है कि कोई सुई आपकी इस घड़ी के इस पेपर से टच ना हो रही हो। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर शो कर रहा है कि जो हावर्स वाली सुई है, छोटी सुई है, ये टच कर रही है। इससे क्या होता है, प्रॉब्लम आ सकती है कि घड़ी चलते चलते रुक सकती है। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएंगे। तो अब यहाँ पर ऊपर की तरफ उठाया तो ये एक्चुअल फिट हो गया। अब वापस हमें ग्लास लगाना है। ग्लास को भी बड़ी केयरफुली हमें यहाँ पर उठाना है। अब हमें यह भी ध्यान देना है कि सुई जो है ग्लास को भी टच ना हो रही हो, ना तो नीचे से टच हो रही हो और ना ही ऊपर से टच हो रही हो। अगर ऊपर से या नीचे से कहीं से भी टच होगी तो दोस्तों इसको चलने में प्रॉब्लम हो सकती है। वापस हमें इसको हाथ से सपोर्ट देना ग्लास को और घड़ी को उल्टा करेंगे और जो इसकी सपोर्ट्स हैं, नट वगैरह लगाने हैं जो, वो हम यहाँ पर लगा देंगे। अब लास्ट में बच गया है दोस्तों, इसको चेक करना है हमें। तो सबसे पहले मैं बैटरी लगा देता हूँ, इसमें सेल लगा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सेल लगा दिया और आप देख रहे हैं कि सेकंड की सुई यहाँ पर वर्क करने लग गई है। तो यानी कि घड़ी तो चालू हो गई है, लेकिन अब बस ये नई मशीन थी तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी रियल टाइम से पीछे हो जाए ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, नहीं क्योंकि मशीन जो है एक्यूरेट नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आप घड़ी के पूरे खर्चे यानी 150-200 रुपये को केवल आप 30-40 रुपये में ठीक कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने ये वॉच मशीन 40 रुपये में लेके आया था। आपके वहाँ कितने की मिलती है मुझे मालूम नहीं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी नई नई वीडियो और काम आने वाली वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक बार फिर से नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।